आपका देख लेते हैं, तो आपका टाइपिंग स्पीड और इसके जरिए आप अगर कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइपिंग बहुत स्पीड होगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज टोस्ट टाइपिंग। ये जो हमारा जो टोस्ट टाइपिंग है, ये एक टेक्निक है जो कि आपका 10 फिंगर यूज होगा, आपका जो 10 का 10 फिंगर यूज होके कीबोर्ड को बिना देख के आप टाइप कर सकते हैं। ये आप टाइपिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका टाइपिंग 10 फिंगर में आप टाइप कर सकते हैं और स्पीड टाइप कर सकते हैं और बिना एरर के टाइप कर सकते हैं, और तो और आपकी कीबोर्ड को बिना देख के आप टाइप कर सकते हैं। और आपका ये हैबिट आपको बहुत ही इंप्रूव कर देगा। ठीक है, तो आपका टाइम भी सेव होगा। तो नेक्स्ट में जब जाएंगे, आपका फिंगर पोजीशन कैसा रहेगा, आपका ये जो देख रहे हैं एफ के पास और जे के पास दो छोटा छोटा एक डॉट, छोटा छोटा एक एक डॉट है, जे के पास एक डॉट है और एफ के पास एक डॉट है, इसको हम कहते हैं होम रो। इसको कहते हैं हम होम रो, ये होम रो कहते हैं उसको। इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं, आपको कीबोर्ड को बिना देख के आप जान सकते हैं आपका फिंगर का पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, इसीलिए ये होम रो दिया गया है। आपका जो लेफ्ट फिंगर है, लेफ्ट हैंड है, वो ए एस डी एफ के ऊपर रहेगा, मतलब वो जो फर्स्ट फिंगर है वो एफ में रहेगा और एफ और एफ में एक ऊपर में छोटा सा पॉइंट है, इसको आप फिंगर के जरिए आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका लेफ्ट फिंगर ए एस डी एफ में रहेगा, आप फोटो भी देख सकते हैं ये फोटो। ठीक है, तो सेकेंड फिंगर आपका जो राइट हैंड है वो आपका जे के एल और सेमी कॉलन पे, जे के एल और सेमी कॉलन, ये चारों फिंगर ये चारों जगह रहेगा, और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एस डी एफ पे, राइट फिंगर वाला जे के एल और सेमी कॉलन पे रहेगा। ठीक है, और आपका थंब यू कैन आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट वाला थंब यूज कर सकते हैं या फिर राइट वाला थंब यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी इजी लगेगा वो थंब आप यूज कर सकते हैं, स्पेस बार पे आप अपना हिसाब से आप थंब यूज करेंगे। ठीक है, और आपका ये जो स्मॉल बम्प्स है, आपका जो ये देखो एफ के ऊपर स्मॉल बम्प है और जे के ऊपर स्मॉल बम्प है, वो जो पॉइंट बोल रहे हैं वो है उसके ऊपर आप थोड़ा सा आप बम्प नजर आएगा, स्मॉल बम्प या फिर स्मॉल पॉइंट नजर आएगा, उसके जरिए आप बिना देख के भी आपका फिंगर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिंग की, हम की को प्रेस कैसे करेंगे देख सकते हैं आप। आपका ये जो राइट हैंड वाला फिंगर है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, राइट वाला वो जो फर्स्ट फिंगर है वो आपका पोजीशन जे पे रहेगा। ठीक है, और वही फिंगर थोड़ा ऊपर उठ के, थोड़ा सा ऊपर जाके उसको यू में क्लिक होगा और जे तक फिर से आ जाएगा। देखिए, समझ गया ना, देखिए आप ये जो जे वाला फिंगर है, ये पहला फिंगर है आपका राइट हैंड साइड का, जे के ऊपर थोड़ा सा हल्के में रहेगा, ये आपका पोजीशन सेम रहेगा। रहने के बाद अब जब यू ऊपर वाला की को टाइप करेंगे तो ये वही पोजीशन से आगे जाएगा, ये यू को धीरे से टच करके दबा के वो फिर से उस पोजीशन पे आ जाएगा जे के ऊपर। ठीक है, ये हमारा कैसे प्रेस होगा ये हम जान चुके हैं। नेक्स्ट अब जाएंगे, आपका जो हाथ है, ठीक है, ये और हाथ हमेशा कीबोर्ड के सीधा रहेगा, ये आप फोटो भी देख सकते हैं, आप कीबोर्ड के ऊपर रहेगा, जैसे कि आप पूरा पैरेलल पे रहेगा और आप सीधा बैठ के आपका आंख हमेशा मॉनिटर के ऊपर रहेगा और आप पूरा एक्यूरेसी मॉनिटर के ऊपर आंख रहेगा और आपका हाथ जो है, हाथ का जो रिस्ट है वो थोड़ा ऊपर उठ के रहेगा और सिर्फ फिंगर ही आप देख सकते हैं, सिर्फ फिंगर ही कीबोर्ड पे टच होगा और आपका जो रिस्ट है वो नीचे नहीं लगेगा, ताकि आपका मूविंग जो है, हाथ का जो मूविंग है वो फास्टर मूविंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट
बैठना पूरा स्ट्रेट में बैठेंगे और आपका एल्बोस क्लोज करके बॉडी को पूरा रिलैक्स करके आपको बैठना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेसन हो गया, अब चलेंगे सेकंड लेसन के, ठीक है। 1.2 ये चलते हैं, आप देखिए, ठीक है। आप ये समझ चुके होंगे कि ए कौन सा फिंगर में जाएगा और एस कौन सा फिंगर पे, बी कौन सा फिंगर पे और एस एफ कौन सा फिंगर पे जाएगा, और यहाँ पे भी उसी तरह ही जाएगा। स्पेस बार को हम थंब यूज करेंगे, यू कैन यूज योर राइट थंब और लेफ्ट एज यू फील इजियर, ओके। अब देखिए ए एस डी एफ लेफ्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटिल फिंगर प्लेस योर लेफ्ट हैंड फिंगर एज ए एस डी एफ एंड एफ स्पेस बार ए एस डी एफ टाइप करके फिर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर जे के एल सेमी कॉलम देके आप स्पेस देके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेट योर थंब रेस्ट ऑन योर स्पेस बार, आपका जो थंब है वो थंब हमें हमेशा स्पेस बार पे रहना चाहिए। ए एस डी एफ, ठीक है, जे के एल सेमीकोलन, ठीक है, फिर स्पेस बार, ओके। आप समझ चुके हैं, ये जो हमारा जो पहला लिटिल फिंगर है वो ए पे, फिर जाएगा एस डी, और ये जो लिटिल फिंगर है ये ए एस डी एफ, इसके बाद जे के एल एंड सेमीकोलन, देन स्पेस, ओके। नेक्स्ट अब हमारा ये टाइपिंग कोर्स है, ठीक है। टाइपिंग टू बिगिन ड्रिल स्पेस, स्पेस बार देने से ड्रिल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो ए ए स्पेस, ठीक है, एस एस स्पेस, डी डी स्पेस, एफ एफ स्पेस, ठीक है, फिर से जे जे स्पेस, के स्पेस, एल एल स्पेस, सेमिकोलन सेमिकोलन स्पेस, ठीक है, ए एस स्पेस, डी एफ स्पेस, A S space, B F space, ठीक है। Next J K space, L semicolon space, J K space, L semicolon space, ठीक है। अब देखिए A S D F space, A S D F space, J K L semicolon space, J K L semicolon space, ठीक है। अब फिर से वही कोर्स होगा, A A space, B B space, J J space, L L space, ठीक है, ए डी जे एल स्पेस, ए डी जे एल स्पेस, एस एफ के सेमीकोलन स्पेस, एस एफ के सेमीकोलन स्पेस, ठीक है, एफ जे स्पेस, एफ जे स्पेस, डी के स्पेस, डी के स्पेस, ठीक है, एस एल स्पेस, एस एल स्पेस, ए सेमीकोलन स्पेस, ए सेमीकोलन स्पेस, ठीक है, जे ए स्पेस, जे ए स्पेस, के एस स्पेस, के एस स्पेस, ठीक है, एल डी स्पेस, एल डी स्पेस, सेमीकोलन ए स्पेस, सेमीकोलन ए स्पेस, के जे स्पेस, के जे स्पेस, एस के स्पेस, एस के स्पेस, ए डी स्पेस, ए डी स्पेस, एस एफ स्पेस, एस एफ स्पेस, सेमीकोलन जे स्पेस, सेमीकोलन जे स्पेस, एफ ए स्पेस, एफ ए स्पेस। आप देख सकते हैं कि ये जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन आपको कौन से में, सेमीकोलन मतलब ये आपका लिटिल फिंगर में, राइट हैंड साइड लिटिल फिंगर में है, उसके बाद फर्स्ट फिंगर है, यहाँ का फर्स्ट फिंगर पे, वहां का लिटिल फिंगर पे, और स्पेस, ठीक है। सेमीकोलन जे एफ ए स्पेस, ठीक है, एल के एस डी स्पेस, एल के एस डी स्पेस, ठीक है, ए ए स्पेस, डी डी स्पेस, ठीक है।
आज ये जो पहला कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, 97% एक्यूरेसी, 15% गुड। इसका मतलब हम थोड़ा स्लो में टाइप कर रहे थे इसलिए कि आपको पता चले। ठीक है, तो ये हमारा टाइम 5 मिनट तक लिया है और ये आपको बार बार टाइप करना है एक कोर्स में। ठीक है,